दोस्तों बायोट्रिक बायोमास जनरेशन ये एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बायोमास का पायरोलिसिस करवाते हैं पायरोलिसिस का मतलब है पायरो मतलब हीट करना जिसकी वजह से वो टूट जाए नो पायरोलिसिस इज वेन यू हीट एनी ऑर्गेनिक मटेरियल एट अपवर्ड्स ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन होता तो कंबशन हो जाता अब ऑक्सीजन नहीं है तो उसका लाइसिस हो जाता है तो जब हम बायोमास को पायरोलिसिस बायोमास का पायरोलिसिस करवाते हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं वी हैव बायोचार्ट सॉलिड फॉर्म बायो ऑयल लिक्विड फॉर्म एंड सिन गैस गैशियस फॉर्म अब वेस्ट मैनेजमेंट है तो हम यहां पर वेस्ट बायोमास की बात कर रहे हैं यहां पर आप वर्जिन बायोमास भी यूज कर सकते हो बट बायोट्रिक इज अ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सो इट इज यूजिंग द बायोमास वेस्ट विच इज अंडरगोइंग पायरॉलिस टू गिव अस बायोचार बायो ऑयल एंड सिन गैस और इसके यूसेज है इन तीनों प्रोडक्ट्स के विच कैन एक्चुअली गिव अ बूस्ट टू द रूरल इकोनमी हेंस इट हैज टू बी यू नो अडॉप्टेड ऑन अ मास स्केल अब अगर हम इनके यूज की बात करें जो हमारे पास बायो ऑयल है बायो ऑयल और सिन गैस कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रूरल एरियाज़ अभी आपको पता है कुछ रूरल एरियाज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है लेकिन रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पर बायो ऑयल और सिन यूज हो सकते हैं देन दे कैन बी यूज टू फर्दर कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस पायरोलाइसिस भी तो बार बार करना है ना अगर आपको किसी को फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी बायो ऑयल और सिन गैस से आ सकती है पॉइंट ये है कि बायो ऑयल और सिन गैस आपको एनर्जी देंगे डैट कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी और डैट कैन बी यूज टू फर्दर The process of pyrolysis. Then it is also used to produce biochar and biochar is very rich in carbon and it can be added to the soil for carrying out sustainable agriculture. Or उसी farm land से अगेन हमारे पास waste biomass होगा जिसकी जिसको हम bio-trick के द्वारा pass करेंगे उसकी pyrolysis होगी और हमारे पास ये तीन चीजें वापस आएँगी। तो बायोचार जितना हम सॉइल में यूज करेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वेस्ट बायोमास तो खैर प्रोड्यूस हो ही रहा था तो वो वेस्ट बायोमास से हम फिर से पायरोलिसिस कर सकते हैं तो इतना सस्टेनेबल सिस्टम जो है शुरू हो जाएगा अगर हम बायोट्रिक को मास लेवल पर अडॉप्ट कर पाते हैं तो लाइक आई सेड दैट

इंडोर एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है जो रैम्पेड है रूरल एरियाज में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं वुमेन को वो कम हो जाएगा एंड बायोचार तो आपको पता ही है कि इट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द साइल फर्टिलिटी तो ये कुछ यूजेस है बेनिफिट्स की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कम हो जाएंगी अब देखो आप वेस्ट टू एनर्जी कर रहे हो अब वो वेस्ट बायोमास बायोमासिकम्पोज होता वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करता आप कुकिंग के लिए बायो ऑयल की जगह फॉसिल फ्यूज फॉसिल फ्यूल बर्न करते वो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस करता तो इस पूरी बायोट्रिक के प्रति को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम 350 फिफ्टी किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर कैपिटा पर एनम कम कर पाएंगे एंड इट इज गोइंग टू बी अ बोन फॉर द रूरल कम्युनिटीज बिकॉज इंडोर एयर पोल्यूशन कम होता है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी जाती है रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जाती है और अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की तरफ भी बढ़ते हो तो बायोट्रिक इज़ अ बोन फॉर दैट इन दैट डायरेक्शन और ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस का एक इनिशिएटिव है कोशिश की जा रही है कि इसे मास लेवल पे इंडिया में अडॉप्ट किया जाए और रूरल कम्युनिटीज़ का बेनिफिट करवाया जाए सो दैट वाज़ ऑल रिगार्डिंग बायोट्रिक हमारा जो क्रैश कॉस् है संभव क्रैश कॉस्ट 50 परसेंट पे ऑफ है अगर आप लेना चाहते हैं प्रिलम्स में कुछ ही दिन बचे हैं अगर आप सिर्फ रिविजन पर फोकस करना चाहते हैं तो आप हमारा रैपिड रिविजन कोर्स देख सकते हैं आप इन्वायरमेंट का भी क्रैश कॉस्ट सेपरेटली ले सकते हैं दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एट अ डिस्काउंट एंड अगर आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा परिश्रम कोर्स है फॉर ट्रिपल नाइन रुपीज एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस द मैप्स फॉर प्रिल्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ ऑल्सो हैव मैप्स कोर्स प्राइज्ड एट फिफ्टीन हंड्रेड बाकी कोर्स की आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी ले सकते हैं सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे